हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी एनटीएनएट 2021 की नोटिफिकेशन और फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल है और एग्जाम 2 मई 2021 से शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 2 मार्च 2021 है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी तैयारी को सफल बनाने के लिए हम 50 डेज मैराथन एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें 50 दिन तक हर रोज एक वीडियो अपलोड होगा। कॉमर्स के पेपर 2 में टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट से हमने ढेर सारे क्वेश्चंस लिए हैं और उसके लिए एक अलग से एमसीक्यू बनाया है। हर रोज रात के 10 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज हमारा डे 3 है और डे 3 में हम अकाउंटिंग मॉक टेस्ट पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें अगले 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 201 टू क्वेश्चन नंबर 300। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अकाउंटिंग मॉक टेस्ट पार्ट 3। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंट। इनमें से कौन सा एक अकाउंट है? तो चार ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है बैलेंस शीट, दूसरा है ट्रायल बैलेंस, तीसरा है कैश अकाउंट और चौथा है जर्नल। आपको मालूम है जर्नल एंट्रीज होती हैं, इट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अकाउंट कहलाता ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस भी अकाउंट नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट, इसमें नाम में भी आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट लिखा है और क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंट, तो कैश अकाउंट इज एन अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट एक अकाउंट होता है, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस भी अकाउंट नहीं होता और जर्नल एंट्रीज भी अकाउंट के फॉर्मेट में हम नहीं बनाते। तो क्वेश्चन का आंसर है कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इनमें से कौन सी बुक ओरिजिनल एंट्री की नहीं है? ये नॉट पे ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इनमें से कौन सी बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है? चार ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है कैश बुक, दूसरा है लेजर बुक, तीसरा है सेल्स जर्नल, चौथा है बिल्स रिसीवेबल बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेजर। ये ओरिजिनल एंट्री नहीं है, इसे सेकेंडरी बुक भी कंसिडर किया जाता है लेजर बुक को। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो सही इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेजर। लेजर इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज डिक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज। इनमें से कौन से अकाउंट में अगर डेबिट एंट्री हो जाएगा तो वो अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा? तो हमारे चार ऑप्शन है, सैलरीज अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट, तीसरा है ओनर्स अकाउंट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओनर्स अकाउंट। ओनर्स अकाउंट को अगर हमने डेबिट कर दिया तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट इन्वॉल्व्स इक्वलाइजेशन ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ अकाउंट। जो प्रोसेस है जहां पे हम किसी अकाउंट को बैलेंस करते हैं, वहां पे हम दोनों साइड को इक्वलाइज करते हैं। ठीक है, इफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड अकाउंट का क्रेडिट साइड से एक्सीड हो गया, बढ़ गया, तो जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड का, द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड, दिस सेट बैलेंस इज। तो इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एन एक्सपेंडिचर और असेट, एन इनकम और अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि जो प्रोसेस होता है ना बैलेंसिंग करने का, जहां पे हम दो अकाउंट को हम इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इक्वलाइज करते हैं, अगर डेबिट साइड किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड से ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो जो डिफरेंस होगा ना उसे हम क्या, जो क्रेडिट साइड का, ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो डेबिट बैलेंस होगा, वो क्रेडिट बैलेंस होगा, वो एक एक्सपेंडिचर होगा या एसेट होगा, वो इनकम होगा कि लायबिलिटी होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो डेबिट बैलेंस भी होगा और साथ ही साथ एक एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और असेट भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्रेडिट बैलेंस इज अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स अ क्रेडिटर। एक क्रेडिट बैलेंस इज अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स अ क्रेडिटर। जो क्रेडिट बैलेंस है ना पर्सनल अकाउंट का, वो क्या इंडिकेट करता है? वो क्रेडिटर्स इंडिकेट करता है। ये बात सही है,
पार्टली, देखिए कभी भी क्वेश्चन में पार्टली ट्रू आए तो सीधा सीधा गलत हो जाता है, पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स, यहाँ पे कोई बात पार्टली नहीं होती है, पूरी बात, या तो पूरा सही होगा तो पूरा गलत होगा, थोड़ा बहुत सही है थोड़ा बहुत गलत नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है। अगला फॉल्स या नन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इट्स ट्रू। अ क्रेडिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स अ क्रेडिटर्स, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस इंडिकेटर्स इंडिकेट करता है नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, जो भी क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ सब्सिडियरी बुक, इनमें से कौन सी बुक सब्सिडियरी बुक होती है, लेजर, मेन जर्नल, ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो इनमें से कौन सी सब्सिडियरी बुक है, इनमें से देखिए ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और लेजर नहीं है, इट्स मेन जर्नल, मेन जर्नल इज अ सब्सिडियरी बुक, ठीक है, मेन जर्नल जो है वो सब्सिडियरी बुक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, when the amount of credit sales of an account is more than the amount of debit side, then the balance of that account is called, ठीक है। यहां पे बोला गया है when the amount of credit side of an account, अगर किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो अगर डेबिट साइड के अमाउंट से ज्यादा है, देन द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बैंक बैलेंस और नन ऑफ दीज। तो बैंक बैलेंस कहां से हो जाएगा, बैंक बैलेंस टोटली गलत आंसर है, तो देखना होगा डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि इनमें से एक डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होने की चांसेस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और से देखते हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ डेबिट साइड, किसी अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड के अमाउंट से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे उसका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, वो क्रेडिट बैलेंस की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज, लेजर का क्या ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब एक हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, लेजर से क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन जान सकते हैं। दूसरा है टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, लेजर हेल्प करता है बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। तीसरा है टू नो द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर, ताकि एक नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके नेट रिजल्ट को जानना। और चौथा ऑप्शन है हमारा टू डिटरमाइन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो लेजर है उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताए, बैलेंस शीट बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बताता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, तो पहला ऑप्शन टोटली गलत है। दूसरा ऑप्शन टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है बताता है, लेजर तो नहीं बताता कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तीसरा ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि लेजर आपको हेल्प करता है, जिसकी मतलब लेजर की मदद से आप नेट रिजल्ट्स जान सकते हैं सारे ट्रांजेक्शंस का जो एक ही नेचर के हैं, ठीक है, एक ही नेचर का मतलब आप समझ रहे हैं, लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं और जो अकाउंट्स बनते हैं सेम नेचर के होते हैं उनको एक ही जगह पे पोस्ट किया जाता है, तो वो हेल्प कर रहे हैं। और चौथा क्यों नहीं होगा, टू डिटरमाइन द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म, लेजर की मदद से हम ये नहीं जान सकते कि बिजनेस में कितने डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से बड़ा होगा, द बैलेंस स्टैंडिंग इन अकाउंट इज कॉल्ड, अभी सेम क्वेश्चन पूछा था जिसकी वर्डिंग्स थोड़ी अलग थी इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, मतलब इस ये अभी जो क्वेश्चन है ना इसके पहले के पहले क्वेश्चन में, तो ये सेम क्वेश्चन पूछा गया जहां पे ये सवाल पूछा गया कि जो क्रेडिट साइड है किसी अकाउंट का वो अगर डेबिट साइड से बड़ा होगा तो जो डिफरेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, नील बैलेंस होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो पहले तो दो क्वेश्चन के आंसर को आप एलिमिनेट कर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रेडिट बैलेंस, वो क्रेडिट बैलेंस कंसिडर किया जाएगा, अगर क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ग्रेटर है, बड़ा है, क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट है और डेबिट साइड में कम अमाउंट है तो इनका जो डिफरेंस जो बैलेंस होगा ना वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट इज अ, जो डेबिट बैलेंस है नॉमिनल अकाउंट का वो क्या है, ठीक है, वो प्रॉफिट है या गेन है, लॉस है या एक्सपेंसेस है,
इनकम है या रेवेन्यू है, नन ऑफ दीज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉस और एक्सपेंसेस। जो डेबिट बैलेंस होता है नॉमिनल अकाउंट का, वो लॉस या एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल अकाउंट्स इन लेजर टैबुलेटेड एज समरी स्टेटमेंट इज नोन एज। ऑल अकाउंट्स इन द लेजर, जितने भी अकाउंट होते हैं लेजर में, उसे टेबल के फॉर्म में समरी बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? ठीक है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो लेजर अकाउंट के बाद जब उसकी समरी बनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट्स अ ट्रायल बैलेंस। तो ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर टैबुलेटेड एज अ समरी स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ लेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रायल बैलेंस शोज। जो ट्रायल बैलेंस है वो हमें क्या शो करता है? ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमें क्या शो करता है? हमारे चार ऑप्शन है। पहला, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट। कैसे पता चलेगा है? ये ऑप्शन कहां से लाते हो भाई तुम लोग? दूसरा, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, फिर भी समझ में आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस हमें क्या शो करता है, कि एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तीसरा ऑप्शन है ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रायल बैलेंस है वो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंट्स का बताता है, कि जो भी हम चीजें लिख रहे हैं उसका जो बैलेंसिंग है वो सही आ रहा है, कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। हम अपने ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंट्स की पकड़ सकते हैं, कि क्या हमने कुछ ओमिट तो नहीं कर दिया, कुछ भूल तो नहीं गए, क्या हमने कोई एंट्री गलत तो नहीं कर दी, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई। वो ट्रायल बैलेंस की मदद से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ये सारी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस की मदद से पता चल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ फॉर। ट्रायल बैलेंस जो है वो किस चीज का प्रूफ है? पहला ऑप्शन है That no error exists in the book of account. तो trial balance क्या ये prove करता है कि books of accounts में कोई error नहीं है? बिल्कुल गलत जवाब। Trial balance से पता कैसे चलेगा भैया? Trial balance के बाद भी तो चार पांच account बनाते हैं, तो trial balance थोड़ी prove कर रहा है। ठीक है, अगला, books are arithmetically accurate and correctly written. अभी बस यही बात कर रहे थे कि trial balance क्यों बनाया जाता है। Trial balance इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जो भी accounting की गई है वो arithmetically accurate है कि नहीं, करेक्टली लिखा गया है कि नहीं, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही आ गया। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑल लेजर बैलेंस हैज बीन इंक्लूडेड इन इट। ये प्रूफ थोड़ी है, प्रूफ तो बस यही है कि ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ और सारी चीजें सही सही है, क्योंकि हम मैच करा लेते हैं ना। और तीसरा कह रहे हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ फॉर बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट एंड करेक्टली रिटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है जहां पे हम किसके बैलेंस की बात करते हैं? सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट, ऑल अकाउंट्स, ओनली नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स, और चौथा है ओनली पर्सनल अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस है इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स जो हमने लेजर में बनाए ना, उनका जो लिस्ट है ना, वो पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिस्ट बना लेते हैं उनके जो बैलेंसेज हैं। लेजर में जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं उनका जो बैलेंस आता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिस्ट के फॉर्म में बना देते हैं और पूरी एंट्रीज कर देते हैं, पूरा अमाउंट लिख देते हैं जो बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट टू। ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करता है, किया जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो चार ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है बैलेंस ऑल द अकाउंट्स। अब ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ताकि हम सारे अकाउंट्स को बैलेंस कर सकें? नहीं भैया, चेक ट्रायल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल नहीं, ट्रायल बैलेंस या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जान सकते। और लास्ट में कह रहे हैं चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, What does the trader prepare after preparing journal?
तो ट्रेडर क्या बनाता है? लेजर बनाता है भाई। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज के बाद क्या बनाया जाता है? लेजर बनाया जाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय विच स्टेटमेंट इज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर इज टेस्टेड। तो आपको मालूम है कि ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर की टेस्ट करते हैं, पता करते हैं। तो जर्नल के बाद क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। तो जर्नल से, जर्नल तो सबसे पहले एंट्री की जाती है, तो जर्नल से कहां पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है, बैलेंस शीट लास्ट में बनाया जाता है। तो विच स्टेटमेंट इज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। अब तक आप समझ गए होंगे कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि अकाउंटिंग जो की गई है उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखा जा सके, जाना जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड ऑन अ फुल पेज ऑफ लेजर। तो एक फुल पेज है ना लेजर का, उसमें कितने कॉलम्स बनाए जाते हैं? ऑप्शन है 8 कॉलम्स, दूसरा है 4 कॉलम्स, तीसरा है 6 कॉलम्स, चौथा है 10 कॉलम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 कॉलम्स। तो जो लेजर बनाया जाता है ना, उसमें 8 कॉलम्स बनाए जाते हैं, 4 लेफ्ट हैंड साइड, 4 राइट हैंड साइड, 4 डेबिट के लिए, 4 क्रेडिट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद द अकाउंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 2500 रुपया। जो डेबिट साइड है उसका वो जो है ना, वो 2500 रुपए से कम पड़ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है। दिस डिफरेंस विल बी, ये डिफरेंस क्या किया जाएगा? पहला ऑप्शन है क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, दूसरा डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तीसरा एडजस्टेड टू एनी ऑफ द डेबिट बैलेंस अकाउंट, और चौथा है एडजस्टेड टू एनी ऑफ द क्रेडिट बैलेंस। तो एनी का मतलब किसी में भी हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बोला आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद जो अकाउंट है, अकाउंट फाइंड्स दैट टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 2500 रुपए। तो यहां पे क्या होगा कि हम उसे बैलेंस करने के लिए 2500 रुपए का सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में दिखा देंगे, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 2500 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कब टैली नहीं करेगा? सबसे पहला, करेक्ट जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, अगर सही जर्नल एंट्री 2 बार पोस्ट कर देंगे तो वो टैली करेगा ही करेगा। अब 2 बार 3 बार 10 बार पोस्ट करेंगे सही जर्नल एंट्री तो बिल्कुल, मतलब एक ही एंट्री आपने 4 बार पोस्ट कर दी तो बैलेंस तो टैली करेगा ना, क्योंकि आपने डेबिट में भी उतना लिखा है, क्रेडिट में भी उतना लिखा। दूसरा कह रहे, द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिट टू कैश, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा कह रहे, 5000 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर 5000 एंड क्रेडिट टू कैश एज 5000 एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, एक बार क्वेश्चन वापस समझते हैं, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ, ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं करेगा? जब जर्नल एंट्री 2 बार पोस्ट कर दें, ये तो गलत आंसर था। द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिट टू कैश। तो यहां पे भी अगर आपने कोई चीज क्रेडिट बेसिस में खरीदी है, ठीक है, उसे आपने परचेज में डेबिट कर दिया और कैश में क्रेडिट कर दिया, तो यहां पे भी वो बैलेंस करेगा, टैली करेगा, मतलब, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि 5000 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर 5000 एंड क्रेडिटेड टू कैश एज 5000। तो आपने 5000 पेमेंट किया क्रेडिटर को, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट में 5000 दिखा दिया और कैश अकाउंट में भी आपने दिखा दिया कि 5000 आपको मिल रहा है, तो ये टैली नहीं करने वाला। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ट्रायल बैलेंस वाला, जो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है उसे हम कहां लेकर के जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, दूसरा बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाते हैं, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैलेंस शीट ओनली। ठीक है, ट्रायल जो क्लोजिंग स्टॉक है ना अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू बैलेंस शीट ओनली, सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, जो ट्रायल बैलेंस है ना उसको जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो किस चीज में हमारी हेल्प करता है। तो चार ऑप्शन है हमारे, पहला लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरा लोकेटिंग एरर्स ऑफ ओमिशन, तीसरा लोकेटिंग क्लेरिकल एरर्स, और चौथा है लोकेटिंग कॉम्पनसेटरी एरर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकेटिंग क्लेरिकल एरर्स। जो ट्रायल बैलेंस बनाए, तो क्लेरिकल एरर्स का मतलब समझ रहे हैं ना कि अकाउंटिंग की जो एक्यूरेसी की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम अकाउंटेंसी की एक्यूरेसी की बात करते हैं, उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, मतलब जो गणित है, जो कैलकुलेशन किया गया है वो सही है कि गलत है, तो ये करने वाला कौन है, क्लर्क है। तो क्लेरिकल एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग क्लेरिकल एरर्स, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा, सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन, जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है वो कहां उसकी एंट्री होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बना तो वो सीधा कहां जाएगा, वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्म लिस्टिंग द बैलेंसेस बाय टाइटल्स ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर ऑन अ गिवन डेट इज नोन एज, द फॉर्म लिस्टिंग द बैलेंसेस, जो फॉर्म है जहां पे बैलेंसेस लिस्ट किया जाता है हेडिंग के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, मतलब टाइटल्स ऑफ द अकाउंट इन द लेजर ऑन द गिवन डेट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चार ऑप्शन थे हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलते, बैलेंस शीट लास्ट में आता है, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट कहां से आ गया, ये ट्रायल बैलेंस है। एक बार फिर से ऑप्शन के हिसाब से हम समझेंगे कि ये क्या है क्वेश्चन जो है, द फॉर्म लिस्टिंग द बैलेंसेस बाय टाइटल्स ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर ऑन अ गिवन डेट इज नोन एज, लेजर बनाने के बाद, ठीक है, उसका जो बैलेंस है, उसकी जो बैलेंसेस की जो लिस्टिंग की जाती है वो किस में की जाती है, वो ट्रायल बैलेंस में की जाती है। लेजर बनाने के बाद लेजर के बैलेंसेस हम कहां लिस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, सब्सिडियरी बुक, लिस्ट या फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ स्टेटमेंट। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, Which of the following is the objective of preparing trial balance? इनमें से trial balance बनाने का objective क्या है? तो पहला option है, It serves as the summary of all the ledger accounts. अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि जो objective होता है trial balance का, वो क्या करता है कि ledger की जो भी summary है वो पूरा का पूरा trial balance में आता है। दूसरा कह रहे हैं कि it helps in the preparation of final accounts. बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर ही हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये भी सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन है, फॉर एग्जामिनिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस इसलिए भी बनाते हैं। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव है। द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज मोर देन 1000 रुपीज, रीजन क्या है, जो डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस का वो 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ करके दिखाया जा रहा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो चार ऑप्शंस में आप ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या रीजन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है, रिसीव्ड 500 फ्रॉम ए एंड डेबिटेड इन हिज अकाउंट, हमने 500 रुपए ए से रिसीव किया और उसी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा, रिसीव 1000 फ्रॉम कुमार एंड क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कुमार, हमने 1000 रुपीज कुमार से लिया और 1000 रुपीज उसी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तीसरा ऑप्शन है हमारा, सैलरी पेड 1000 विच हैज बीन रिटेड इन बिल्डिंग अकाउंट, 1000 रुपए की सैलरी पे की गई और उसे हमने बिल्डिंग अकाउंट में लिख दिया, उसकी एंट्री कर दी। और चौथा ऑप्शन है हमारा, 1000 given to Sushant, its recording in the accounts book omitted. 1000 रुपए सुशांत को दिया हमने और उसकी जो एंट्री है वो अकाउंट्स बुक में ओमिट हो गई। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन थे हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन ए, जहां पे हम ए से रिसीव कर रहे हैं 500 और उसी के अकाउंट में हम क्या कर दे रहे हैं, उसी 500 को डेबिट कर दे रहे हैं। तो रिसीव करने के टाइम भी डेबिट किया गया 500 और वापस 500 डेबिट कर दिया, तो ये टोटल बढ़ गया 1000 रुपीज से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जहां पे डेबिट साइड का बैलेंस 1000 रुपीज बढ़ करके आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस द हेड नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम कौन सी हेडिंग ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है सस्पेंस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है क्लोजिंग अकाउंट और चौथा ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। हम कभी भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट हेडिंग डाल करके कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ऑफ कैश बुक हैव क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन सा जो कॉलम है कैश बुक का वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है? ऑप्शन है कैश कॉलम, दूसरा ऑप्शन है बैंक कॉलम, तीसरा ऑप्शन है डिस्काउंट कॉलम, चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, बैंक कॉलम एज वेल एज डिस्काउंट कॉलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स इन कैश बुक हैव क्रेडिट बैलेंस, तो बैंक कॉलम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, डिस्काउंट कॉलम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर, ट्रायल बैलेंस के क्या मेथड है? ठीक है, पहला ऑप्शन है टोटल मेथड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस मेथड, तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसलिए क्योंकि टोटल मेथड भी होता है, बैलेंस मेथड भी होता है और टोटल एंड बैलेंस मेथड भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर द मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर टोटल मेथड इज नोन एज। ट्रायल बैलेंस जो हम टोटल ट्रायल बैलेंस जो हम प्रिपेयर करते हैं ना टोटल मेथड के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका ऑप्शन है सिंपल ट्रायल बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस टू ट्रायल बैलेंस, तीसरा है नेट ट्रायल बैलेंस और चौथा है ट्रायल बैलेंस एप्रोप्रिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, माफ कीजिएगा टू नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर टोटल मेथड इज नोन एज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर बैलेंस मेथड इज नोन एज। जो ट्रायल बैलेंस हम बैलेंस मेथड के अंडर प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारा सिंपल ट्रायल बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है नेट ट्रायल बैलेंस और चौथा ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस एप्रोप्रिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेट ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी। ये नेट ट्रायल बैलेंस इज अ ट्रायल बैलेंस विच इज प्रिपेयर्ड अंडर बैलेंस मेथड। ठीक है, तो बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग जिस ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम नेट ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस इंप्लाइज दैट। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें अगर हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं तो वो उसका क्या तात्पर्य है, उसका मतलब क्या होता है? हमारे चार ऑप्शन है, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन ओपनिंग स्टॉक, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज अकाउंट, इट इज एडजस्टेड इन कॉस्ट एंड ऑफ सेल अकाउंट एंड इट इज एडजस्टेड इन सेल्स अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट में हमने क्या किया कि क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस इंप्लाइज दैट इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ मिसमैच इन ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी चीज मिसमैच कर सकती है ट्रायल बैलेंस को? सबसे पहला एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन इन अ सब्सिडियरी बुक, तीसरा है रॉन्ग टोटलिंग इन अ सब्सिडियरी बुक, चौथा है रिकॉर्डिंग एन अमाउंट विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल अकाउंट, सॉरी अमाउंट। ठीक है, तो इनमें से क्या मिसमैच कर सकता है, ये टोटलिंग मिसमैच कर सकता है सब्सिडियरी बुक का। प्रिंसिपल ऑफ एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर्स ऑफ ओमिशन इन अ सब्सिडियरी बुक से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने ओमिट ही कर दिया पूरा का पूरा, तो टोटलिंग का तो कोई मिसमैच वाली बात ही नहीं है। तो मिसमैच कहां मिसमैच करेगा, मिसमैच करेगा अगर आपने गलत टोटलिंग की है तो। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट भी गलत है, तो यहां पे अगर आप टोटल गलत करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो हम बात करते हैं वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात करता है ना, कि आपने टोटलिंग सही की है कि नहीं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर वो मिसमैच कर रहा है तो हमने टोटलिंग गलत किया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेम ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ मींस दैट इट इज ट्रायल और टेस्ट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंस स्टेटमेंट इज, इट इज ट्रू। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस है उसका मतलब वो ट्रायल है या टेस्ट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंस, बिल्कुल सही, इस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रायल बैलेंस का मतलब ट्रायल होता है, या हम जो लेजर बैलेंस है ना उसकी एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस में हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ विच ट्रांजेक्शन द रिकॉर्डिंग इज डन इन द सेल्स बुक, जितने भी ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से ट्रांजेक्शंस को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, दूसरा क्रेडिट सेल ऑफ ऑल आइटम्स, तीसरा ऑप्शन कैश सेल्स, और चौथा ऑप्शन क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली जो ट्रांजेक्शन है उसे हम क्या करते हैं, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विच ऑफ द ट्रांजेक्शन द रिकॉर्डिंग इज डन इन सेल्स बुक, तो क्रेडिट सेल को हम क्या करते हैं, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्या अगर हमने उसे कैश में बेच दिया होता तो कैश बुक में तुरंत रिकॉर्ड हो गया होता, रीजन क्या था कि कैश हमारे पास आ रहा होता। तो हम अगर गुड्स को बेच रहे हैं और क्रेडिट में बेच रहे हैं तो हम ये क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द सेंडिंग ऑफ डेबिट नोट टू द सेलर बाय द परचेजर विल बी, इन्होंने बोला कि जब कोई परचेजर सेलर को डेबिट नोट भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू सेंडिंग ऑफ डेबिट नोट टू द सेलर बाय द परचेजर विल बी डन, तो ये कहां होता है। ठीक है, कहां पे ये चीज नोट की जाती है, परचेज बुक में की जाती है, सेल्स बुक में की जाती है, सेल्स रिटर्न बुक में की जाती है, या परचेज रिटर्न बुक में की जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है परचेज रिटर्न बुक, जब परचेजर सेलर को एक डेबिट नोट बेचता है। ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न बुक में इसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ट्रांजेक्शन विल बी रिटर्न इन द सेल्स अकाउंट ऑफ दर्शन बुक हाउस, इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन को हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे दर्शन बुक हाउस के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बुक डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, भैया डिस्ट्रॉय हो गया तो सेल्स कहां से होगा, सेल्स नहीं होगा इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वन टाइपराइटर वर्थ रुपीज 800 सोल्ड टू मॉडर्न स्टोर टू क्रेडिट, ओके ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है बुक्स वर्थ रुपीज 200 डोनेटेड टू स्कूल, तो जब डोनेट कर रहे हैं अगेन इट्स अ चैरिटी तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला जो लास्ट है स्टेशनरी एंड बुक्स वर्थ रुपीज 400 सोल्ड टू जयपुर स्टेशनरी मार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टेशनरी एंड बुक्स वर्थ रुपीज 400 सोल्ड टू जयपुर स्टेशनरी मार्ट। ठीक है,
अभी कंफ्यूजन क्या था कि इसमें कंफ्यूजन ये है कि वन टाइपराइटर वर्थ ₹800 सोल्ड टू मॉडर्न स्टोर टू क्रेडिट, ये हम क्यों नहीं लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं दर्शन बुक हाउस, तो दर्शन बुक हाउस क्या बेचेगा? बुक हाउस बेचेगा स्टेशनरी और बुक्स, ठीक है। हो सकता है कि टाइपराइटर पुराना हो और ऊपर से उन्होंने इस टाइपराइटर को क्रेडिट में बेचा है, इकलौते टाइपराइटर को क्रेडिट में बेचा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टेशनरी एंड बुक्स वर्थ ₹400 सोल्ड टू जयपुर स्टेशनरी मार्ट, ठीक है। ये सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा दर्शन बुक हाउस के, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज, तो जब कोई बायर कोई नोट अगर भेजता है किसी सेलर को तो वो कौन सा नोट होता है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट इज अ नोट विच इज सेंट बाय अ बायर ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स। अगर मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और मैं सामान वापस दे रहा हूं, तो मैं क्या सेलर को दूंगा? साथ ही साथ एक डेबिट नोट भी दूंगा कि मैंने आपको इतना पैसा दे रखा है, बदले में जो मैंने सामान लिया था मैंने आपको वापस कर दिया है, अब मेरा इतना पैसा आपके पास है, राइट? तो मैं डेबिट नोट किसको दूंगा? सेलर को दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिकॉर्डिंग बींग डन इन द जर्नल प्रॉपर विल बी, जो जर्नल प्रॉपर है उसमें जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो कब की जाती है, ठीक है, कौन सी वाली रिकॉर्डिंग की जाएगी? बैड डेट्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, 50 मीटर ऑफ क्लॉथ परचेज फ्रॉम राम और क्रेडिट सेल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैड डेट्स, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में हम ऐसी चीजों की एंट्री करते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार नहीं होता। पेमेंट ऑफ सैलरी हमेशा दी जाती है, 50 मीटर ऑफ क्लॉथ परचेज फ्रॉम राम ये शायद परचेज अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट सेल भी बिजनेस में लगातार होता है लेकिन बैड डेट्स बार बार नहीं होता, तो इट इज अ रिकॉर्डिंग बीइंग डन इन जर्नल प्रॉपर, तो बैड डेट्स इज द करेक्ट आंसर जो जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे, जो रिपीटेड नेचर का नहीं है, बार बार बैड डेट्स नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज, सब्सिडरी बुक्स को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, दूसरा बुक्स ऑफ लेजर रिकॉर्ड्स, तीसरा बुक्स ऑफ फाइनल रिकॉर्ड्स और चौथा नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। सब्सिडरी बुक्स को हम और क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द सेल्स बुक विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारा क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर, पुराना फर्नीचर अगर हम बेच रहे हैं तो क्या उसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ मशीन, पुरानी मशीन अगर हम बेच रहे हैं तो क्या उसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ प्लांट, पुराना प्लांट ब्रैकेट में ओल्ड भी लिखा है, तो क्या अगर पुराना प्लांट बेचते हैं तो किसको हम सेल्स बुक में एंट्री करेंगे? तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से हम किसी की एंट्री नहीं करेंगे। अगर हमने पुराना फर्नीचर बेचा तो वह सेल्स बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी, अगर हमने पुराना मशीन क्रेडिट में बेचा तो यह भी एंट्री नहीं करेंगे, पुराना प्लांट क्रेडिट में बेचा, देखिए पुराना फर्नीचर भी हम क्रेडिट में बेच रहे थे तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी सेल्स बुक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन एसआर बुक, एसआर बुक बोले तो सेल्स रिटर्न बुक, कौन से ट्रांजेक्शन हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सोल्ड ऑन क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सोल्ड ऑन कैश, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन। तो क्वेश्चन था विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सोल्ड ऑन कैश। अगर कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है जिसे हमने कैश में बेचा है तो उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन क्रेडिट वाली एंट्री हम कर देते हैं उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं, लेकिन अगर कोई सामान हमने कैश में बेचा है और वो रिटर्न आ जाता है हमारे पास तो उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में उसकी एंट्री
नहीं करेंगे, बदले में हम क्या देंगे, मतलब डेबिट नोट से काम चलाएंगे, ठीक है, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन, जो क्लोजिंग एंट्री है ना वो कहां रिकॉर्ड की जाती है। पहला ऑप्शन कैश बुक, दूसरा ऑप्शन लेजर, तीसरा जर्नल प्रॉपर, चौथा बैलेंस शीट। तो अगर हम बात करें क्लोजिंग एंट्रीज कहां रिकॉर्ड की जाती है, तो क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है, ठीक है। तो जो क्लोजिंग एंट्री होती है ना उसको पहले जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं लेजर में। तो पहले हम कहां रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग एंट्री को, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कहां है, हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर। अब किसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब किसकी एंट्री करेंगे। चार ऑप्शन है, परचेज ऑफ असेट ऑन कैश, दूसरा ऑप्शन है परचेज ऑन ऑफ एन असेट ऑन क्रेडिट, तीसरा ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, और चौथा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जर्नल प्रॉपर में इन चारों चीजों में किसकी एंट्री की जाएगी। अगर आपने कैश में कोई एसेट खरीदा, अगर आपने क्रेडिट में कोई एसेट खरीदा, अगर आपने कैश में गुड्स खरीदे, अगर आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा परचेज ऑफ एन असेट ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट में कोई असेट खरीदा है तो उसे हम सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनपेड सैलरी है 200 रुपए, इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स बाय एंट्री इन द, 200 रुपए की अनपेड सैलरी है जिसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है, तो हम कैसे उसे शो करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे उसकी। क्या हम उसे बिल्स रिसीवेबल बुक में दिखाएंगे, अनपेड सैलरी है, बिल्स रिसीवेबल में पैसे मिलते हैं, तो अनपेड सैलरी मतलब हमें सैलरी देनी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है परचेज बुक, भैया सामान थोड़ी खरीद रहे हैं जो परचेज बुक में इसकी एंट्री होगी, तो ये अनपेड सैलरी है, अनपेड सैलरी परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं जाएगा, ऑप्शन भी कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में हम अनपेड सैलरी जो प्रोवाइड करानी है वो हम उसे उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द कस्टमर रिटर्न्स द गुड्स, जब कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन एन इनवॉइस इज सेंड टू हिम, अच्छा जब कोई सामान वापस कर रहा है तो इनवॉइस क्यों भेजेंगे हम उसको। दूसरा अ डेबिट नोट इज सेंड टू हिम, हम क्यों डेबिट नोट भेजेंगे, हम डेबिट नोट भेजेंगे, अच्छा ठीक है। अगला अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम, एक क्रेडिट नोट भेजेंगे। अगला अ रिसीट इज सेंड टू हिम, रिसीट भी नहीं भेजेंगे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या सही है, एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। व्हेन द कस्टमर रिटर्न्स द गुड्स, जब कोई कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो हम क्या देते हैं उसको, वो हमें देता है क्रेडिट, सॉरी वो हमें देगा डेबिट नोट, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, हम उसे क्या देंगे, हम उसे देंगे बदले में क्रेडिट नोट। तो जब कोई कस्टमर हमें सामान देगा तो हम उसे क्या देंगे, क्रेडिट नोट, ठीक है। और जब कस्टमर हमें कोई सामान वापस करता है तो वो हमें कौन सा नोट देता है, वो हमें डेबिट नोट देता है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कस्टमर ने हमें कोई सामान दिया है तो हम उसे क्या देंगे, हम उसे देंगे क्रेडिट नोट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द परचेज डे बुक ऑफ अ फर्म इज ओवरकास्ट, जब परचेज बुक, अब डे क्यों लगा दिया, चलिए परचेज बुक है उसको ओवरकास्ट करके दिखाया है, तो कब ये परचेज बुक को ओवरकास्ट करके दिखाते हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, परचेज बुक को ओवरकास्ट करके, ओवरकास्ट का मतलब होता है बढ़ा करके कब दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट एंड रिड्यूस नेट प्रॉफिट, ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट कम हो गया है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिड्यूस ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंक्रीज नेट प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा रिड्यूस ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट, और चौथा है इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, बताइए 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 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन। आप वीडियो पॉज करके भी एक बार क्वेश्चन पढ़ करके भी आप देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। आप आंसर को आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन
सी, ठीक है। व्हेन द परचेज बुक ऑफ अ फर्म इज ओवरकास्ट, इसका मतलब हमने क्या हुआ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो भी कम था और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी कम था, तो ना ग्रॉस प्रॉफिट था ना नेट प्रॉफिट था, दोनों कम कम थे, तो हमने क्या किया था कि परचेज बुक को हमने ओवरकास्ट करके दिखा दिया। व्हेन द परचेज बुक ऑफ अ फर्म इज ओवरकास्ट इट विल रिड्यूस ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट। जब परचेज बुक ओवरकास्ट करके दिखाते हैं तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी रिड्यूस कर देता है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी वो हमारा रिड्यूस कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल ऑफ द सेल्स बुक ऑफ द मार्च इंडिकेट्स, जो मार्च के महीने में जो सेल्स बुक का टोटल है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है टोटल सेल्स फॉर द मंथ, टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ, टोटल कैश सेल्स फॉर द मंथ, और लास्ट ऑप्शन है टोटल सेल्स लेस रिटर्न। इन्होंने सवाल पूछा है कि टोटल ऑफ द सेल्स बुक मार्च महीने का क्या दिखाता है, तो टोटल ऑफ द सेल्स बुक मार्च महीने का दिखाता है टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ द मंथ, क्योंकि अगर कैश में आप कोई सामान बेच रहे हैं तो वो कैश बुक में चला जाएगा सीधा सीधा, तो मार्च के एंड में मार्च के महीने का जो टोटल सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक का जो टोटल वो हमें क्या शो करता है, वो टोटल क्रेडिट सेल दिखाता है महीने का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है गुड्स द पेमेंट ऑफ विच इज ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स, गुड्स जिसका पेमेंट 3 महीने तक ड्यू है, जिसे हमने टेंडुलकर और कंपनी को 5 लाख रुपए में बेचा था, इसकी एंट्री कहां होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, टेंडुलकर और कंपनी को हमने 5 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे, सेल किए थे, और उसका पेमेंट अभी भी बाकी है, इसका मतलब वो क्या हुआ था, क्रेडिट सेल हुआ था, कैश सेल्स होता तो हम कहां एंट्री करते, कैश बुक में। हमने कोई सामान परचेज तो किया नहीं, तो परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, जर्नल प्रॉपर में भी नहीं जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल्स बुक, ठीक है। अगर आपने गेस किया, सही गेस किया, वेरी गुड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड असेट्स इज जर्नलाइज्ड इन, अगर फिक्स्ड असेट्स में डिप्रिसिएशन दिया गया है उसको जर्नलाइज हम कहां करेंगे, जनरल जर्नल में, फिक्स्ड असेट जर्नल में, डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या एनी ऑफ द थ्री, तो एनी ऑफ द थ्री तो होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसे हम जर्नलाइज करेंगे जनरल जर्नल में। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक इंडिकेट्स, जो कैश बुक होता है उसके बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में जो बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन, कि जो कैश बुक होता है उसके बैंक के कॉलम में अगर डेबिट साइड में कोई बैलेंस होता है तो वो क्या होता है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द टोटल अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, दूसरा ऑप्शन है द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तीसरा ऑप्शन है कैश एट बैंक, चौथा ऑप्शन है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक वो अमाउंट होता है जो कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में हम दिखाते हैं, जो बैलेंस बच जाता है उसे कैश एट बैंक बैलेंसिंग फिगर हम बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट इट इज कंसिडर्ड एज अ डैश ऑफ अकाउंट्स, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ विच बुक, ठीक है। ये सब्सिडियरी बुक है कि प्रिंसिपल बुक है, और उसे क्या कंसिडर किया जाता है, सब्सिडियरी बुक की प्रिंसिपल। तो हमारे पास ऑप्शन है कि सब्सिडियरी बुक और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बुक और सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक और सब्सिडियरी बुक, और प्रिंसिपल बुक और प्रिंसिपल बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक होती है, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ अ सब्सिडियरी बुक बट इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज पोस्टेड टू द, जो कैश बुक होता है उसके डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम का टोटल होता है, ठीक है, उसे कहां पोस्ट किया जाता है। मैं फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, जो कैश बुक होता है उसके डेबिट साइड में जो डिस्काउंट का कॉलम दिया गया होता है उसका टोटल हम कहां पोस्ट करते हैं,
हमारे चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है हमारा क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दूसरा डेबिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तीसरा है क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और चौथा है डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम कैश बुक के डेबिट साइड में एंटर करते हैं. ठीक है, पहला है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, तीसरा है कैश डिस्काउंट अलाउड, और चौथा ऑप्शन है हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड. तो इनमें से कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जो अलाउ किया गया है या रिसीव किया गया है जिसे हम डेबिट साइड कैश बुक में दिखाते हैं. तो देखिए, अगर मैं पहले दो ऑप्शन की बात करूं, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड या ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दोनों नहीं हो सकते. रीजन क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सीधा सीधा कैंसिल हो गया. अब कैश डिस्काउंट अलाउड या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड में आपका सही आंसर है कैश डिस्काउंट अलाउड. जब हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसे हम डेबिट साइड कैश बुक में शो करते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ फर्म मेंटेन अ थ्री कॉलम कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन. जब कोई फर्म थ्री कॉलम कैश बुक बनाता है, मेंटेन करता है, तो उसे क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अलग से. ठीक है, पहला ऑप्शन है कैश अकाउंट इन द लेजर, दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट इन द लेजर, तीसरा ऑप्शन है डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर, और लास्ट है बोथ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी. जब कोई फर्म थ्री कॉलम कैश बुक बना रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, तो उसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन लेजर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ चेक रिसीव्ड इज एंडोर्स्ड इट मस्ट बी एंटर्ड इन. जब आपको कोई चेक रिसीव हुआ और आपने उसे एंडोर्स कर दिया, मतलब साइन करके किसी और को दे दिया, ठीक है, तो इसकी एंट्री आप कहां करिएगा. आपके चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है हमारा क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओनली, दूसरा है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओनली, तीसरा ऑप्शन है बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, और चौथा है नोवेयर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इन अ थ्री कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. जब हम थ्री कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब क्या चीज हम सही करते हैं. ठीक है, सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री करते ही नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट आते ही उसकी अगर एंट्री की बात की जा रही है तो आपका वो ऑप्शन गलत है. दूसरा कह रहे हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कैश कॉलम्स सॉरी डिस्काउंट कॉलम्स आर बैलेंस्ड, और चौथा ऑप्शन है हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी. अगर थ्री कॉलम कैश बुक है तो जो कैश डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इन पेटी कैश बुक डैश कॉलम रिकॉर्ड्स रिसीट्स. ठीक है, जो पेटी कैश बुक होता है जिसमें हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कौन सा कॉलम रिकॉर्ड करता है रिसीट्स. ठीक है, तो हमारे चार ऑप्शन है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड, सेंटर कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर कॉलम राइट हैंड साइड. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड. ठीक है, जो पेटी कैश बुक होता है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉलम को में हम सारे के सारे रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ विल बी. देखिए, सैलरीज
आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया है, हमें अभी पे करना बाकी है, हमें अभी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना बाकी है, ठीक है, ड्यू हो गया, पे नहीं हुआ, तो इट इज आउटस्टैंडिंग। इसको हम कहां पे लिख करके दिखाएंगे, ठीक है, कैश बुक। ये चार ऑप्शन है कैश बुक के, तो कहां हम दिखाएंगे? पहला ऑप्शन है ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है, दूसरा है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तीसरा है एज अ कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री तब की जाती है जब बैंक और कैश, एक बैंक बढ़ता है कैश घटता है, या कैश बढ़ता है बैंक कम होता है, तो कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री का कोई केस ही नहीं है, तो कॉन्ट्रा एंट्री वाला ऑप्शन ही हम काट दे रहे हैं। और लास्ट में कह रहे हैं नो वेयर इन द कैश बुक, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको समझ में आ गए कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसे हम कहां लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नो वेयर इन द कैश बुक। हम कैश बुक में एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हमने पे ऑफ तो किया ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दिया भी नहीं है अभी किसी को, तो हम कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हम सिर्फ कैश की बात करते हैं, जो कैश में दिया गया है और जो कैश में आया है, मतलब पेमेंट्स एंड रिसीट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इन कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज पोस्टेड टू द, जो कैश बुक होता है जिसमें डिस्काउंट कॉलम बना होता है, उसमें डिस्काउंट कॉलम का जो क्रेडिट साइड का टोटल होता है उसे हम कहां पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तीसरा है क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और चौथा है क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो आप क्या करोगे कि जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में आप एंट्री करके दिखाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द मेन एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक इज आर, जो पेटी कैश बुक है उसका मेन एडवांटेज क्या है, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है, दूसरा है सेविंग ऑफ टाइम ऑफ द चीफ कैशियर, ठीक है, जो चीफ कैशियर है उसका जो टाइम है उसको बचाने के लिए हम उसे यूज करते हैं, तीसरा सेविंग ऑफ लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक एंड डिस्पोजिंग इन टू लेजर, ठीक है, और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। देखिए जो मेन एडवांटेज है ना कैश बुक का, वो छोटे छोटे पेमेंट्स को कंट्रोल करना भी होता है, चीफ कैशियर का टाइम बचाना भी होता है, साथ ही साथ बार बार जो कैश बुक में हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर में, उसका जो मेहनत है उससे भी बचना होता है। तो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा पेटी कैश में बी यूज टू पे, पेटी कैश जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मालूम है ना वो जो खर्चे जो एक्सपेंसेस हैं। देखिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिपीटेड होते हैं, एक्सपेंडिचर वन टाइम होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे एक्सपेंसेस की बात की जा रही है जो बेसिकली रिकरिंग नेचर का है, रिपीटेड नेचर का है। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्टेज एंड कन्वेयंस, तो पेटी कैश बुक क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पहला ऑप्शन है कि जो पोस्टेज और कन्वेयंस, कन्वेयंस का मतलब एक हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का जो किराया भाड़ा होता है, दैट इज कन्वेयंस चार्ज, उसके लिए पेटी कैश बुक का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सैलरीज एंड वेजेस टू फाइनेंस डेवलपमेंट स्टाफ, नहीं ये पेटी कैश नहीं है, ठीक है। तीसरा फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी और ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारा क्वेश्चन है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट द अलाउंस गिवन इज कॉल्ड, अगर हम तुरंत पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश अलाउंस, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैश डिस्काउंट। जब भी कोई वेंडर को प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव होता है ना, जब भी कोई बायर प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है अपने सेलर को, तो जो सेलर होता है वो कुछ कैश डिस्काउंट देता है, तो ये जो प्रॉम्प्ट पेमेंट में जो अलाउंस मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, ये सही है कि गलत है। जो डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड का टोटल होता है कैश बुक के, जो कैश बुक होता है ना उसके
डिस्काउंट कॉलम का जो डेबिट साइड का टोटल होता है उसे हम क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में लिख देते हैं, क्या ये सही है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स और नन। तो जब ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं तो नन का तो ऑप्शन ही गलत हो गया और पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स वाली बात ही नहीं होती, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल्स, हम उसको डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये है फॉलोइंग द कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। सबसे पहला ऑप्शन है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, दूसरा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है लोन्स फ्रॉम बैंक और चौथा है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, रिपीटेड नेचर का होता है, ये कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी का नहीं होता है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, लोन्स फ्रॉम बैंक कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है हमारा सब्सक्रिप्शन इज अ, सब्सक्रिप्शन क्या है? ठीक है, इट्स अ कैपिटल रिसीट, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये रिपीटेड नेचर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन, जो कैपिटल रिसिप्ट्स है उसे हम कहां रिप्रेजेंट करते हैं? चार ऑप्शन है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो कैपिटल रिसीट्स जो भी चीजें होती हैं उसे हम कहां शो करते हैं? उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा मनी पेड टू पेटेंट राइट्स और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, मनी पेड टू पेटेंट राइट्स भी ये रिपीटेड नेचर का हो सकता है। ठीक है, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें और मतलब हमारा जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ने में हेल्प होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार पेटेंट राइट्स खरीदे, कंपनीज बार बार अलग अलग चीजों के पेटेंट राइट्स खरीद सकती है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है कि आपने कुछ नया शुरू किया आपकी कंपनी ने, तो वहां पे प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग के कुछ खर्चे हो, एडवर्टाइजमेंट बार बार एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर का ये सारा का सारा है, तो ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट स्पेंट ऑन फॉरेन ट्रिप ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर परचेजिंग अ मशीनरी फॉर बिजनेस पर्पस इज एन, जो खर्चा एक फॉरेन ट्रिप पे किया गया प्रोप्राइटर द्वारा ताकि वो एक मशीनरी खरीद सके, मतलब आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं ताकि आप मशीनरी खरीद करके लेकर के आए, ये एक बिजनेस ट्रिप था। ठीक है, बिजनेस के लिए आपने मशीनरी खरीदी, तो इस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ ड्रॉइंग, देखिए ड्रॉइंग पर्सनल यूज के लिए होता है तो ड्रॉइंग नहीं हो सकता। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक, तो ये फ्यूचरिस्टिक नेचर का नहीं है। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक फॉर रुपीज न्यू ट्रक 5,000 इज पेड टू हैव द नेम ऑफ द कंपनी एंड द अदर एडवर्टाइजिंग मटीरियल पेंटेड ऑन द ट्रक, दिस 5,000 इज अ इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक। जैसे ही आपने एक नया ट्रक खरीदा, आपने 5,000 रुपए खर्च कर दिए ताकि कंपनी का नाम ट्रक के ऊपर आ जाए और साथ ही साथ कुछ एडवर्टाइजिंग मटीरियल भी प्रिंट हो जाए कंपनी के ट्रक पे।
तो ये जो 5,000 रुपए खर्च किए ये कौन सा खर्च था? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट्स नॉट अ कैपिटल, ट्रक खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके ऊपर पेंट कराना, क्योंकि यहां पे साफ साफ बोला गया एडवर्टाइज कराना, तो एडवर्टाइज कराना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां से आप इसे पकड़ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसे बाद में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉस कॉज्ड बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इज अ लॉस ऑफ। अगर कैशियर ने कुछ पैसे चुरा लिए बिजनेस के टाइम पे, तो इस लॉस को हम क्या कंसिडर करेंगे? ये किस नेचर का लॉस होगा? ये रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, डिफर्ड रेवेन्यू नेचर का है, या नन ऑफ द अबव है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ रेवेन्यू नेचर। ये जो लॉस होगा वो रेवेन्यू नेचर का कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का लॉस इज अ लॉस विच इज कॉज बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय अ कैशियर ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर। तो बिजनेस आवर पे जो रोजमर्रा का बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम जो भी काम किया जा रहा है ना बिजनेस के लिए, वो रेवेन्यू नेचर का है, जिससे यहाँ पे बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? इट्स अ कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, डेफर्ड रेवेन्यू, नन ऑफ दीज। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ 50,000 वॉज स्पेंट बाय अ फैक्ट्री इन ओवरहॉलिंग इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, मशीनरी की जो सर्विसिंग होती है ना, उसे खोल करके, उसको साफ करके, वापस ग्रीसिंग करके वापस सेट करना इज ओवरहॉलिंग। तो 50,000 रुपए एक प्लांट एंड मशीनरी, एक फैक्ट्री ने अपने प्लांट एंड मशीनरी में खर्च किया, ताकि अगले 5 साल तक वो मशीनरी अच्छी तरीके से काम कर सके। तो ये जो एक्सपेंडिचर है किस नेचर का है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पार्टली कैपिटल एंड पार्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी में ये जो खर्चा किया गया है ये 5 साल में एक बार किया गया है। ठीक है, और 50,000 रुपए एक, इट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो मशीनरी की वर्किंग को एनहांस करने के लिए जो हमने उसमें खर्च किया है, इट्स अ कैपिटल नेचर। बिल्डिंग को भी एनहांस करते हैं ताकि हम उससे और भी प्रोडक्टिविटी, कुछ बेनिफिट ले सकें, तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का होता है और एक्सपेंसेस रिपीटेड नेचर के होते हैं। एक्सपेंडिचर एक बार होता है, ठीक है, और वो कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस इज डैश एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर जो इनकर होता है, जिसे क्या मिलता है, राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, जिससे हम बिजनेस को और आगे लेकर के जाते हैं, इस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू और नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से देखते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा खर्चा जिसे हमें अधिकार मिल सके कि हम बिजनेस को आगे लेकर के जाएं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 2000 इज सोल्ड फॉर 800 रुपीज। अगर 2000 रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने 800 रुपए में बेच दिया, तो जो नया फर्नीचर है हमारे पास, उसके बाद हमने एक नया फर्नीचर खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है, जिसमें हमने 25 रुपए कैरेज दिया, वॉट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या अमाउंट होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे। ठीक है, मैं 2 और लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1200, दूसरा है 1000, तीसरा ऑप्शन है 1025, ठीक है, और चौथा है 2225। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1025। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज जर्नलाइज्ड इन।
जो प्रोविजन होता है ना बैड डेट्स का, बैड डेट्स के लिए जो भी हम प्रोविजन बनाते हैं उसको हम कहां जर्नलाइज करते हैं। हमारा चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जनरल जर्नल, दूसरा ऑप्शन है डेटर्स अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव थ्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो प्रोविजन है बैड डेट्स का उसे हम जो जर्नलाइज करते हैं वो जनरल जर्नल में जर्नलाइज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स। जो परचेज रिटर्न बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन है हमारा क्रेडिट परचेज, मतलब उधार में अगर परचेज किया तो वो रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट सेल्स, उधार में अगर कोई सामान बेचा है तो क्या वो रिकॉर्ड होता है। रिटर्न्स ऑफ गुड परचेस्ड ऑन क्रेडिट, उधार में अगर किसी ने कोई सामान खरीदा है वो अगर कोई रिटर्न करता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिटर्न ऑफ गुड परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डेबिट नोट इज सेंट टू। जो डेबिट नोट है वो किसे भेजा जाता है? ऑप्शन है क्रेडिटर्स, दूसरा ऑप्शन है डेटर्स, तीसरा ऑप्शन है बैंक, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो डेबिट नोट हम किसे भेजते हैं? हम डेबिट नोट डेटर्स को भेजते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट नोट इज सेंड टू। अब क्रेडिट नोट हम किसे भेजेंगे? तो जैसे डेबिट नोट डेटर्स को भेजते हैं वैसे क्रेडिट नोट क्रेडिटर्स को भेजेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेल्स बुक रिकॉर्ड्स। जो सेल्स बुक होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? हमारा पहला ऑप्शन है सेल्स ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, दूसरा है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तीसरा ऑप्शन है कैश सेल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सेल्स बुक जो रिकॉर्ड करता है वो सेल्स ऑफ गुड ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सेल्स बुक में हम असेट जो हम बेच रहे हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, साथ ही साथ कैश सेल्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी हम कोई सामान सेल करते हैं और क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसे हम सेल्स बुक में उसकी एंट्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक इज केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग। जो बिल्स रिसीवेबल बुक है ना उसे हम क्यों रखते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली उसमें? पहला ऑप्शन है हमारा बिल्स रिसीवेबल, दूसरा ऑप्शन है बिल्स पेबल, तीसरा ऑप्शन है कैश, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल बुक हम बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास रखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कैश बुक इंक्लूड्स। अब कैश बुक में क्या इंक्लूड होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से क्या चीज कैश बुक में इंक्लूड की जाती है? पहला ऑप्शन है कैश, ओनली कैश रिसीट्स, दूसरा है ओनली कैश पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है ओनली कैश परचेजेस एंड सेल्स, और चौथा है ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो कैश बुक में क्या इंक्लूड किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। कैश बुक में हम सिर्फ कैश की बात करते हैं, तो कैश में जो भी हमने परचेज किया है, जो भी हमने सेल किया है, जो भी हमारा कैश रिसीट्स हुआ, जो भी हमारा कैश पेमेंट हुआ, वो सारी चीजें हम कैश बुक में लेकर के आते हैं। तो ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच सब्सिडरी बुक कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक है जिसमें कैश सेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं? पहला ऑप्शन है सेल्स बुक। देखिए सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है परचेज बुक। परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपने कैश सेल्स किया है ना तो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे उसको? कैश बुक में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर स्मॉल, दैट इज द पेटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश रिकॉर्डेड। इनमें कौन सी सब्सिडरी बुक्स में हम वो जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं? जब बिजनेस में
आपने रिक्शे का किराया दे दिया या किसी को चाय नाश्ता करा दिया, समोसा खिला दिया, चाय पिला दिया, तो ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको किस बुक में हम एंटर करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं किस ऑप्शन। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, पहला सॉरी चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है थ्री कॉलम कैश बुक, नहीं, दूसरा पेटी कैश बुक, तीसरा जर्नल प्रॉपर, चौथा एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है, एक तो स्पेसिफिक होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेटी कैश बुक। तो ये जो सब्सिडियरी बुक है पेटी कैश बुक, जिसमें हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स जो भी हमने खर्चे किए हैं ना उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ताकि उसका भी तो थोड़ा हिसाब मिल सके कि भैया ये पैसा कहां खर्च हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम, जो पोस्टिंग है उसे कहां से करते हैं, मतलब कहां से कैसे करते हैं। तो चार ऑप्शन है, वन सब्सिडियरी बुक टू अनदर, ठीक है, एक सब्सिडियरी बुक से दूसरे सब्सिडियरी बुक में पोस्टिंग करते हैं, दूसरा सब्सिडियरी टू लेजर, तीसरा लेजर टू लेजर, और चौथा लेजर टू सब्सिडियरी बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्सिडियरी बुक से लेजर में हम क्या करते हैं उसको पोस्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स टू लेजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्स पेबल बुक इज, जो बिल्स पेबल बुक है वो क्या है, ठीक है। हमारे चार ऑप्शन है, मेमोरेंडम बुक, अगला ऑप्शन है प्रिंसिपल बुक, थर्ड ऑप्शन इज लेजर, और चौथा ऑप्शन है सब्सिडियरी बुक। तो जो बिल्स पेबल बुक है वो हमारा सब्सिडियरी बुक है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्स पेबल बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड, माफ कीजिएगा यहां एनआईटी लिखा है, ये होगा नॉट, नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इन चारों में से कौन सी जो चीजें हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है। तो चार ऑप्शन है हमारे, पहला ओपनिंग एंट्री, दूसरा है एडजस्टमेंट एंट्री, तीसरा है क्लोजिंग एंट्री, और चौथा है क्रेडिट सेल्स। तो इनमें से कौन सी चीज हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रेडिट सेल्स को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्नल प्रॉपर इज टू रिकॉर्ड, तो जर्नल प्रॉपर क्या रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो हमारे चार ऑप्शन है, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, दूसरा ऑप्शन है ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऑल एडजस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो ये जो जनरल प्रॉपर है वो किस चीज के लिए रिकॉर्ड होता है, देखिए ऑल सेल्स बुक, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, तो सारे जो भी हम सामान बेच रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती, उसे हम अलग अलग बुक में, अगर कैश सेल्स है तो कैश बुक में लिखेंगे, और क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में लिखेंगे। ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स भी नहीं आता, सेम वही है कि अगर क्रेडिट में परचेज किया है तो हम परचेज बुक में लिखेंगे, कैश में परचेज किया है तो कैश बुक में लिखेंगे। तो ऑल ऑफ देम भी नहीं होगा क्योंकि दो ऑप्शन गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल एडजस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी एडजस्टिंग और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती है वो पूरा का पूरा जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर केप्ट इन अ क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड, जिस बुक में सारे के सारे अकाउंट्स को क्लासिफाइड फॉर्म में रखा जाता है उस बुक को क्या कंसिडर करते हैं। हमारे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जर्नल, दूसरा ऑप्शन है लेजर, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज लेजर। तो लेजर इज द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर केप्ट इन अ क्लासिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो लेजर वो बुक होता है जहां पे सारे अकाउंट्स को हम क्लासिफाइड फॉर्म में एंटर करते हैं, रखते हैं। आपने अगर लेजर बनाया होगा तो आपको मालूम होगा ना कि सारे अलग अलग छोटे छोटे लेजर्स बनते हैं जिसमें आठ अलग अलग कॉलम्स होते हैं, चार डेबिट साइड के, चार क्रेडिट साइड के। ये भी क्वेश्चन था MCQ का कि लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं, तो लेजर में टोटल आठ कॉलम्स होते हैं, चार कॉलम, फोर कॉलम्स आर फॉर डेबिट साइड एंड फोर कॉलम्स आर फॉर क्रेडिट साइड, ठीक है। तो लेजर वो बुक होती है जहां पे हम अकाउंट्स को रखते हैं क्लासिफाइड फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन शुड रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है, कितना सेल किया,
कितने रुपए का सेल किया, मतलब टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल, कितना सेल किया, हम किस अकाउंट द्वारा ये चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेल्स बुक, दूसरा है जर्नल, तीसरा ऑप्शन है बिल बुक और चौथा है सेल्स बुक। देखिए पहला ऑप्शन है सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल की बात करते हैं, तो जब सिर्फ क्रेडिट सेल की बात करें तो सेल्स बुक से हमें आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम कैश में सेल करते हैं वो कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं उसकी। दूसरा जर्नल, जर्नल से भी नहीं पता चलेगा, जर्नल में आप कितना पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, क्योंकि जर्नल में ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और जर्नल में हम ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। अगला इन्होंने बोला बिल बुक और लास्ट है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी हमने सेल किया है चाहे वो कैश में हो क्रेडिट में हो उसकी एंट्री हम सेल्स अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो प्लीज धोखा मत खाइएगा, गलती मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल्स अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग कैश बुक इज, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कैश बुक को रखने का वो क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑप्शन है टू नो द कैपिटल ऑफ बिजनेस। कैश बुक को रखने से कैपिटल कैसे पता चलेगा, क्योंकि कैपिटल तो वो पैसा होता है जिसे हम बिजनेस की शुरुआत में लगाते हैं। अगर आप किसी बिजनेस का 5 साल के बाद कैश बुक देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कैपिटल कितना लगा था, ये पता ही नहीं चल सकता। तो ऑप्शन वन गलत है। ठीक है, ऑप्शन टू इज टू नो द कैश परचेज ऑफ द बिजनेस। देखिए कैश बुक में हम कैश परचेज भी करते हैं और कैश सेल्स, कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो पूरा का पूरा हम उसी में लिखते हैं। ठीक है, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो कैश सेल्स हो, तो कैश बुक में सिर्फ कैश परचेज, तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। अगला है ऑप्शन टू नो द कैश सेल्स। सिर्फ कैश सेल्स के लिए थोड़ी कैश बुक होता है, कैश बुक में हम सारे कैश रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत है। लास्ट ऑप्शन इज टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस, तो ये ऑप्शन सही है। कैश बुक से हमें कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों पता चलता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कैश बुक को रखने का वो टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वेयर डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन कैश इटसेल्फ, कैश बुक इटसेल्फ। ये चार हमारे पास अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन का मतलब एक तरफ से गुड्स या सर्विस दिया गया, सामने से पैसे दिए गए हैं उतने वर्थ के। तो जो बिजनेस में कोई भी इवेंट होता है, फाइनेंशियल नेचर का जो इवेंट होता है, वहां पे उसे हम ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन, जो चार आप ट्रांजेक्शन ऑप्शन में देख रहे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे डबल एंट्री पूरी तरीके से कैश बुक में कंप्लीट हो गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेड सैलरीज बाय चेक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, यहां ड्रॉइंग वाली बात हो रही है। तीसरा डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, और चौथा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन सेम डे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आपको याद है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री में अगर कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश कम हो जाता है, बैंक बढ़ जाता है। तो ये वो एंट्री है जहां पे कैश बुक ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, एक चीज कम हो रहा है तो दूसरा चीज बढ़ जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैश व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, दिस ट्रांजेक्शन इज द ट्रांजेक्शन वेयर डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन कैश बुक इटसेल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बिजनेसमैन इशूड अ चेक फॉर रुपीज हंड्रेड। ठीक है, एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे के लिए एक चेक इशू किया 100 रुपए का फॉर हिज डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, उस बच्चे के डोमेस्टिक खुद के खर्चे के लिए 100 रुपए का चेक इशू किया एक बिजनेसमैन ने। ठीक है, अपने बच्चे के लिए 100 रुपए का चेक दिया, इट विल बी एंटर्ड इन 3 कॉलम कैश बुक। ये 3 कॉलम कैश बुक में एंटर किया जाएगा, तो कहां एंटर किया जाएगा, इट विल बी एंटर्ड इन 3 कॉलम कैश बुक, तो किस जगह पे क्या एंट्री होगी। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम एंड डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ठीक है, दूसरा इन द डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तीसरा ऑप्शन है इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, और चौथा इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। रीजन क्या है कि अभी चेक दिया है उन्होंने और वो चेक इन कैश तो हुआ नहीं अभी, तो हम कैश की बात करेंगे नहीं, तो जब कैश की बात की नहीं तो हम ये कैश वाले ट्रांजेक्शन लिखेंगे भी नहीं। ठीक है,
और जब कैश वाले ट्रांजेक्शन लिखेंगे नहीं तो ये तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कैश कैश इंक्लूडेड है। तो जब कैश की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ चेक मिला है, तो हम बैंक की बात करेंगे। तो क्रेडिट साइड में अभी उन्होंने क्या किया, उसको एंटर कर दिया। जब वो इनकैश हो जाएगा तब हम आगे सोचेंगे कि अब उसे हमें क्या करना है, डेबिट साइड में कैश अकाउंट से डिडक्ट करना है। अभी तो सिर्फ इशू किया गया था, तो जब सिर्फ इशू किया गया तो हम उसे क्या करेंगे, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड एंटर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक विल एंटर द डिपॉजिट्स इन एंड विड्रॉल ऑफ कस्टमर्स इन। जब भी हम बैंक जाते हैं तो जो भी हम डिपॉजिट करते हैं और जो भी कस्टमर विड्रॉ करता है तो बैंक उसकी एंट्री कहां करता है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, पे इन स्लिप ऑफ बैंक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कैश बुक, तीसरा ऑप्शन है पासबुक, चौथा ऑप्शन है चेक बुक। आपको मालूम होगा चेक बुक नहीं होता, बैंक क्यों एंट्री करेगा उसमें, कैश बुक में भी कोई एंट्री नहीं करता, पे इन स्लिप ऑफ बैंक में भी एंट्री नहीं करता, तो ये पासबुक होता है जहां पे बैंक एंटर करके आपको देता है। हमारे पास आपको मालूम है पासबुक होता है, हम क्या करते हैं बैंक के क्लर्क को देते हैं और वो क्लर्क क्या करता है कि उसमें कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ, पूरी की पूरी उसकी एंट्री करके हमें दे देता है। तो पासबुक इज द करेक्ट आंसर, पासबुक इज द बुक वेयर बैंक विल एंटर द डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए रिसीव्ड अ चेक ऑफ 500 फ्रॉम बी, ए ने बी से 500 रुपए का चेक रिसीव किया और एंडोर्स इट टू सी इन पेमेंट ऑफ अ लोन। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, साइन करके आपने क्या किया, उसे एंडोर्स कर दिया, सिग्नेचर करके किसी को दे दिया। ठीक है, तो एंडोर्समेंट जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है। आपको मालूम होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, तो वहीं पे एंडोर्समेंट वाली बात होती है। तो ए को चेक रिसीव हुआ 500 रुपए का फ्रॉम बी, बी से ए को चेक रिसीव हुआ और उसने क्या किया, उस चेक को साइन करके सी को ट्रांसफर कर दिया, जो कि उसने सी से लोन लिया था इन पेमेंट ऑफ हिज लोन। ठीक है, फ्रॉम सी, सी ने क्या किया, सी डिपॉजिट दिस चेक इनटू द बैंक, सी ने उस चेक को बैंक में लगा दिया। द चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न्ड आफ्टर अ वीक, जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, मतलब खाते में पैसे नहीं, और एक हफ्ते के बाद वो चेक वापस आ गया। विच अकाउंट सी विल क्रेडिट, अब सी इनमें से कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक, एज अकाउंट, बीज अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक डेटर्स अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैंक्स अकाउंट। देखिए, सी को तो ए से कुछ लेना देना नहीं है, सी तो ए को जानता भी नहीं है, तो वो ए के अकाउंट में क्यों उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है, सी जब ए को जानता नहीं है तो सी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ए का नाम भी नहीं होगा, तो सी ए को तो करेगा नहीं। ठीक है, बैंक का डेटर्स अकाउंट तो बैंक बनाएगा ना, आप थोड़ी बनाओगे, तो ए और डी तो गलत हो गए। फिर बी, क्योंकि बी ने उसको क्या किया था, इंडोर्स करके सी को दिया था, और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हम इसलिए क्योंकि जब मिला था तो उन्होंने क्या कर लिया था, उस अकाउंट को डेबिट कर लिया था, क्योंकि अब वो बाउंस हो गया है, तो इसकी जो एंट्री की जाएगी उसको बैलेंसिंग करने के लिए वो बैंक के अकाउंट में हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप फेसबुक में जो हमारा एयू कॉमर्स स्कॉलर का जो पेज है, आप उसमें पेज में आप पेज को लाइक करके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके। इंस्टाग्राम में भी हमारा पेज है एयू कॉमर्स स्कॉलर के नाम पे, जहाँ पे हम चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, तो आप इवन क्वेश्चंस भी हम पोस्ट करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं डीएम करके, तो आप वहाँ पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जितनी वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं फिलहाल, ठीक है, देश बंद चल रहा है, तो जितनी जल्दी होगा मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द बैलेंस रिमेनिंग इन द पेटी कैश बुक इज अ, जो पेटी कैश बुक है ना, आपको मालूम है ना पेटी कैश बुक वो कैश बुक होता है जहां पे छोटे मोटे ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं, रिक्शा भाड़ा दे दिया हमने, समोसे दो समोसे किसी को खिला दिए। देखिए, क्योंकि वो बिजनेस के अकाउंट से पैसा निकला है तो उसकी तो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ना, हमने कोई भी बिजनेस के नाम पे छोटे मोटे जो खर्चे किए उसे पेटी कैश बुक में लिखेंगे। तो जो पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है वो जब कुछ बचता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब उसे हम क्या लिखते हैं। द बैलेंस रिमेनिंग इन पेटी कैश बुक इज अ, क्या है वो चीज, वो असेट है, वो लाइबिलिटीज है, वो गेन है, या नन ऑफ दीज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा असेट है। ठीक है, पेटी कैश बुक का जो बैलेंस हमारे पास बचा उसे हम असेट बोलेंगे। अब
ये क्या चीज हुई, इसको ऐसे समझिएगा कि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम अपनी जो भी बजट होता है ना वो हर एक चीज के लिए अलॉट कर देते हैं ऑलरेडी। तो पेटी कैश बुक के लिए भी मान लीजिए हमने 2000 रुपए अलॉट कर दिए, तो 2000 रुपए में जो भी छुटपुट छोटे मोटे खर्चे होंगे उसे हम क्या करेंगे, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर पेटी कैश बुक में अगर कुछ बच गया, तो अपने 2000 रुपए अलॉट किए थे पेटी कैश बुक के लिए, मान लीजिए उसमें 200 रुपए बच गए, तो ये 200 रुपए जो रिमेन बचे हैं पेटी कैश बुक में वो क्या हुआ, वो क्या होगा, वो आपकी असेट है, लाइबिलिटी है, गेन है, क्या है? तो हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चेक्स रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक्स आर शोन इन। जो चेक रिसीव किया उसे अभी तक प्रेजेंट नहीं किया उसे हम कहां शो करते हैं, चार ऑप्शन है हमारा, कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैश कॉलम में। चेक हमने रिसीव किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो उसे हम कहां शो करेंगे, कैश कॉलम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इन पेटी कैश बुक द सिस्टम फॉलोड इज, जो पेटी कैश बुक है उसमें कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, अक्रूअल सिस्टम, इंप्रेस्ड सिस्टम, कैश सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंप्रेस्ड सिस्टम। इन पेटी कैश बुक द सिस्टम फॉलोड इज इंप्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैश बुक इज, कैश बुक क्या है, इट्स अ सब्सिडियरी बुक, इट्स अ सब्सिडियरी जर्नल एंड लेजर, लेजर अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जो 25th क्वेश्चन है हमारा, अ थ्री कॉलम कैश बुक विल डिस्क्लोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट व्हेन देयर इज। जो थ्री कॉलम कैश बुक है, ठीक है, वो डिस्क्लोज करता है बैंक ओवरड्राफ्ट, कब डिस्क्लोज करता है बैंक ओवरड्राफ्ट? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम, जब डेबिट बैलेंस होता है कैश कॉलम का तो वो डिस्क्लोज करता है बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम, तीसरा ऑप्शन है डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, और चौथा ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम जब रहेगा तो थ्री कॉलम कैश बुक डिस्क्लोज करेगा बैंक ओवरड्राफ्ट को। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।